तो Redmi 10 Prime को मैं पिछले 10 दिनों से यूज कर रहा हूँ और इस डिवाइस को मैंने एकदम अपने पर्सनल तरीके से यूज किया है। इस फोन में मैंने अपना पर्सनल सिम भी डाल चुका हूँ और इस फोन को यूज करते हुए मुझे इस फोन में कुछ अच्छी चीजें नजर आई है और साथ ही साथ कुछ यहाँ पे बुरी चीजें नजर आया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समराइज करने की कोशिश करेंगे इस फोन में कितना कुछ आपको अच्छा देखने को मिल जाता है और कितना कुछ बुरा देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज डिवाइड कर लिया है। इस फोन में आपको 4 बहुत अच्छी चीज देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ 3 बहुत ही खराब चीज देखने को मिल जाती है। तो अगर आप Redmi 10 Prime लेने का सोच रहे हैं तो आपको ये प्रोज और कॉन्स दोनों ही पता होना चाहिए फोन खरीदने से पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस फोन में क्या-क्या चीजें अच्छी आपको मिल जाती है इस बजट में। सबसे पहले प्रोज में आ जाता है इसका बिल्ड एंड ओवरऑल डिजाइन। अगर हम लोग यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो फोन यहाँ पे कंप्लीटली प्लास्टिक का बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी समहाउ यहाँ पे आपको जो फील देता है वो काफी अच्छा फील देता है। ये फोन किसी भी एंगल से आपको चीप नहीं लगता है और यहाँ पे व्हाइट जो कलर है वो ज्यादा आपको दिखता भी है बहुत अच्छा। साथ ही साथ यहाँ पे कैमरा अगर मॉड्यूल की हम लोग बात करें तो काफी अच्छा है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, कहीं से भी यहाँ पे कोई गैप नजर नहीं आता है। ओवरऑल जो फोन है वो काफी ज्यादा स्टेडी आपको फील लगता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इस फोन का परफॉर्मेंस के ऊपर। इस फोन में यूज किया गया है हीलियो G88 प्रोसेसर, जो कि काफी तगड़ा प्रोसेसर है और इस बजट में ये जो प्रोसेसर है वो वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर आप कह सकते हो, क्योंकि इस प्रोसेसर के साथ आप काफी अच्छे से गेमिंग कर सकते हो, मल्टीटास्किंग कर सकते हो, आप छोटा मोटा काइन मास्टर से एडिटिंग भी कर सकते हो। तो ओवरऑल इस प्रोसेसर में आपको काफी अच्छे से हर दिन का एक्सपीरियंस देता है। तो प्रोसेसर के मामले में भी इस फोन में काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है हर एक। थर्ड अगर हम लोग प्रोज की बात करें इस फोन के साथ तो है इस फोन का बैटरी और चार्जर। इस फोन के साथ आपको मिल जाता है 6000 mAh का बड़ा बैटरी, जिसमें आप अगर मॉडरेट यूज करोगे तो लगभग आपका 1.5 दिन चला जाएगा। अगर आप हेवी यूजर भी हो तो 1 दिन आराम से चला सकते हो। बॉक्स के साथ आपको 18 वाट का चार्जर मिल जाता है, जिसके मदद से आप लगभग 2 घंटा 2 घंटा 10 मिनट में इसको फुल चार्ज कर सकते हो। तो बैटरी और चार्जर के मामले में कंपनी ने अच्छा काम किया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पे इस फोन में यूज किया गया है डुअल स्पीकर, जो कि काफी एक तगड़ी बात है। इस बजट सेगमेंट में आपको जनरली सिंगल स्पीकर मिलता है, लेकिन इस फोन में आपको डुअल स्पीकर मिल जाता है। साथ ही साथ रेडमी का हर एक फोन के साथ आपको आईआर ब्लास्टर मिल जाता है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। तो ये 4-5 पॉइंट जो है वो आपको इस फोन में काफी ज्यादा तगड़ा मिल जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले यहाँ पे आपको ठीक ठाक है, कोई इशू नहीं है, 90 Hz का आपको डिस्प्ले मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस फोन में क्या क्या कॉन्स मिल जाता है, क्या क्या चीज आपको थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है अगर आप इस फोन को परचेज कर लेते हो। तो सबसे पहले है कैमरा। इस फोन में 50 मेगापिक्सल का नया सेंसर यूज किया गया है, फिर भी आपको इमेज क्वालिटी जो है वो उतना सही नजर नहीं आएगा। साथ ही साथ यहाँ पे वीडियो में कहीं कहीं बार आपका फोकस जो होता है वो डिफोकस हो जाता है, उतनी अच्छी तरह से फोकस भी नहीं होता है। और यहाँ पे अगर आप माइक्रो फोटोग्राफी करोगे तो भी उतना अच्छे से आपको डिटेल्स नहीं पता चलता है। फ्रंट कैमरा का भी क्वालिटी लगभग नॉर्मल है। इस बजट में सैमसंग का जो फोन है उसमें आपको काफी अच्छा इमेज देखने को मिलता है। यहां तक अगर हम लोग रियलमी की बात करें, माइक्रोमैक्स की बात करें, तो इस बजट में आपको काफी अच्छा कैमरा देखने को मिलता है। तो कैमरा में यहाँ पे बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है। तो ये मेरा फर्स्ट कंसर्न है कि कैमरा थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता था इस कैमरा में, जो कि नहीं। सेकेंड कॉन इस फोन के साथ ये है इसका UI। इसमें यूज किया गया है MIUI 12.5, जो कि MIUI 12.5 तो है, लेकिन ये जो फ्लैगशिप में आपको MIUI 12.5 मिलता है वैसा नहीं है। साथ ही साथ कैमरा में कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन भी मिल जाता है, जो सारे चीज इस फोन के साथ मिसिंग है। अगर आप साइड बाय साइड Redmi Note 10 Pro को यूज करोगे इसके साथ, तो आप कैमरा में और कहीं कहीं जगह पे आपको थोड़ा बहुत इधर उधर नजर आएगा। तो 12.5 जो है वो हर एक फोन के साथ यहाँ पे Redmi अलग अलग तरीके से यूज करता है, इस फोन के उतने अच्छी तरह से यूज नहीं किया गया है। तो ऑप्टिमाइजेशन जो है वो उतना अच्छा नहीं है। साथ ही साथ काफी ज्यादा ये बल्कि एक UI है, फोन का काफी ज्यादा स्टोरेज भी ये खा लेता है। तो अगर आप 64 GB ले रहे हो तो लगभग 20 से 22 GB आपका यहाँ पे UI और थोड़ा बहुत एप्स में ले लेगा, अगर आप कोई एप्स इंस्टॉल नहीं भी करते हो। नेक्स्ट और एक छोटा सा कॉन्स मुझे जो लगता है,
इस फोन के साथ आता है गूगल डायलर, जिससे अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग करोगे तो सामने वालों को नोटिफिकेशन चला जाता है कि आपका कॉल जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है। जनरली कॉल रिकॉर्डिंग जो फंक्शन होता है वो प्राइवेसी के लिए लोग यूज करते हैं, बहुत लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, तो इस फोन के साथ आप कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो। अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो आपको प्ले स्टोर से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करके फिर आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा झंझट है। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो इस फोन को आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इनिशियली ये फोन जो है वो 12,000 पे लॉन्च हुआ था, उसके बाद यहाँ पे 500 रुपया का प्राइस इंक्रीज देखा गया था, तो लगभग 12,500 रुपए में इनिशियल ये फोन आपको मिल जाता है। ऑफर वोफर अगर आप लगा लेते हो तो थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी अगर आप Redmi 10 Prime यूजर हो तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इस फोन में सबसे अच्छा फीचर आपको कौन सा लगा, साथ ही साथ कौन सा फीचर आपको एकदम बकवास जैसा लगता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। हमारे चैनल में अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।